हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, फालतू बात नहीं करेंगे हम, करेंगे सिर्फ आपसे काम की बात। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े आदि का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 80% बीमारियाँ हमें मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि की वजह से ही होती हैं। दोस्तों, हजारों तरह के प्रोडक्ट हमें बाज़ार में मिल जाते हैं मच्छर, मक्खी आदि कीटों को मारने और भगाने के लिए, पर इन सभी प्रोडक्टों में बहुत तीव्र मात्रा में कीटनाशक मौजूद होता है जो हमारे श्वसन तंत्र को सीधे नुकसान पहुंचाता है, जिस कारण हमें खांसी, नज़ला, जुखाम, दमा, सांस फूलना, इसी तरह के अनेकों गंभीर रोग हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप मच्छर आदि कीटों को मारने भगाने की इलेक्ट्रिक रिफिल कोयल, फास्ट कार्ड आदि बाज़ार से महंगे दामों पर खरीदते हैं और इनसे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अब आपको यह दवाई बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इनसे भी बेहतर और उत्तम क्वालिटी की मच्छर, मक्खी आदि कीटों को भगाने मारने की दवाई घर पर ही बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में, पूरी तरह से हर्बल और आयुर्वेदिक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में लगा घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दवाई बनाने के लिए हमारे पास नीम की ताज़ी पत्ती होनी चाहिए। इन पत्तियों को निकाल कर हम एक मिक्स के जग में डाल लेते हैं, ठीक है। और जग में डालने के बाद देखिए, मैं इसको तोड़ के नीम के जग में डाल रहा हूँ और इसके बाद हमें देखिए मैंने डाल लिया है। अब इसके बाद देखिए मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ और पानी डालकर हमें इसको पेस्ट बनाना है, इसको पीस लेना है मिक्सी की सहायता से, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट बना लेता हूँ। दोस्तों, यह बहुत ही उत्तम क्वालिटी की दवाई बनेगी, आप इसे देखते रहिए। अब मैं इसको एक छलनी में छान लेता हूँ। देखिए, आप इसको बहुत बारीक पेस्ट बनाना है जो छलनी में आराम से छल जाए, जितना पीस सकते हैं आप उतना पीसिए। अब छलनी की सहायता से हम इसको छान लेते हैं और छानने के बाद में अब हम इसको कुछ देर पकाएंगे। देखिए, यह पूरी तरह पक जाना चाहिए, इसमें खदा लगना, जैसे चाय उबलती है इस तरह इसको उबलना चाहिए। इसकी नीम की खुशबू उबलने के साथ भी देखिए आ रही है, कड़वी कड़वी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से भी मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। हमें इसमें और भी कुछ डालना है, वीडियो को देखते रहिए। अभी हमें इसमें और भी कुछ डालना है। देखिए, अब मैं इसको हिला रहा हूँ, यह पक रहा है और इसको तब तक पकाना है जब तक यह पूरी तरह उबल ना जाए, इसमें से कड़वी कड़वी खुशबू आने ना लगे, ठीक है। देखिए, मेरे पास कागज़ में मैंने पीस कर रखा है दूसरी वस्तु जिसको हम कहते हैं कपूर। देखिए, मैंने इसको पीस कर रख लिया है, अब मैं इसको इसमें डालने वाला हूँ। देखिए, मेरे हाथ में कपूर है, मैंने जो बारीक पीसा हुआ है, अब मैं ये उबल चुकी है दवाई, अब मैं इसको इसमें कपूर को इसमें डाल देता हूँ और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला देता हूँ, इसको खूब मिला देता हूँ। कपूर गर्म होने की इसको ये पानी जो गर्म हो रहा है इसमें घुल जाएगा अच्छी तरह से। और अब मैं इसको देखिए, आप इसको किसी जग की सहायता से ले करके आप इसको किसी बोतल में डाल लीजिए और जितना मर्जी आप इसको डाल के बोतल भर लीजिए और यूज करते रहिए। कहीं पर छिड़काव कर दीजिए या आप इसको रिफिल में डालिए, इलेक्ट्रिक रिफिल जो होता है। हम इसको भर लेते हैं और इसको भरने के बाद में हमें इसको जहाँ पर हम इसको लगाते हैं अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड में, वहाँ पर इसको लगा देंगे। इसकी खुशबू से, यह इतनी बेहतर खुशबू होगी कि इसकी खुशबू से मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े कुछ भी आपके कमरे में, आपके आसपास नहीं रहेगा। दोस्तों, यह फ्री की दवाई है, नीम हमें फ्री में मिल जाता है और थोड़ा कपूर, सिर्फ हमें थोड़ा कपूर ही लेना पड़ता है बाज़ार से। वो 10-5 रुपए का आप लेकर एक बेहतरीन दवाई आप बना सकते हैं और बची हुई दवाई को आप बोतल में स्टोर करके रख लीजिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़े कहीं पर भी आप। देखिए, मैंने स्टोर किया है इसको, थोड़ी सी बनाई थी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है। आप जितनी मर्जी मात्रा में नीम के पत्ते लेकर और कपूर लेकर आप इसको बना सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी दवाई चाहिए। और आप कहीं भी इसको यूज करें, दिन में चलाएं, रात को चलाएं, आपके घर में कीड़े मकोड़े, मच्छर दिखेंगे भी नहीं।